देखिए इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ना, अभी बहुत कमेंट आ रहा था कि सर क्रैम्प बहुत आ रहा है स्विमिंग करते वक्त, तो उसका पहले हम लोग रीज़न जानेंगे वो क्यों होता है, एंड क्रैम्प मतलब किस तरह स्विमिंग में हम लोग अवॉइड कर सकते हैं एंड किस तरह सेफ स्विमिंग करके बाहर आ सकते हैं। ठीक, तो देखिए जो क्रैम्प होता है वो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट और बहुत शार्प पेन होता है, और जनरली कहाँ क्रैम्प होता है, जनरली इधर यहाँ पे क्रैम्प होता है या आपके थाइस पे। ठीक, इस जहाँ पे क्रैम्प इतनी मतलब स्विमिंग करते करते बीच में ऐसे क्रैम्प आएगा ना, लगेगा कि अब तो क्या होगा, अब डूब डूब जाएंगे, तो इस तरह नहीं, ये बहुत ही कॉमन है स्विमर्स में, ये चीज़ बहुत कॉमन है। और इसका जो रीज़न होता है, इसका रीज़न सबसे पहला तो होता है कि जितने भी नए स्विमर है वो लोग क्या मिस कर देते हैं, वो लोग वाटर बॉटल लाते ही नहीं स्विमिंग पूल पे, पानी पीते ही नहीं है, तो डिहाइड्रेशन सबसे पहला उसका कारण होता है। हमेशा स्विमिंग जब आप कर रहे हो तो हल्का हल्का पानी पीते रहे, क्योंकि स्विमिंग करते वक्त ना सबसे ज़्यादा स्वेटिंग बहुत होती है, लेकिन हम लोग पानी में रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन आप लोग ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ ही देर में पसीना आने लगता है, कुछ ही देर में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग की बॉडी वर्क करती है पानी में, लेकिन पानी जो ठंडा होता है, टेम्परेचर के जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके कारण हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग की स्वेटिंग हो रही है। पहला चीज़ है डिहाइड्रेशन से बचना है, पानी पीते रहना है, और पानी में एक चीज़ और है, इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग को डाल के उसको लेना है, इलेक्ट्रोलाइट्स हल्का डाल देंगे, क्योंकि जो स्वेटिंग होती है तो हम लोग के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के वो भी बाहर आने लगते हैं, तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाएंगे मसल्स से आपके, तो मसल्स क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी, एंड जब कमज़ोर मसल्स पे हम लोग वर्क करेंगे देन उस पर क्रैम्प बहुत जल्दी आता है। तो जनरली जिसके भी क्रैम्प आ रहा है वो क्या करें, स्विमिंग में उतरने से पहले आप तो पानी पी लें, मतलब पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स घोल के पी लें, एंड स्ट्रेचिंग थोड़ी सी कर लें। स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा, जो मसल्स जो जो स्टिफ मसल्स होती है, जो टाइट मसल्स होती है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, जो और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्विमिंग में हेल्प करेगी करने में, तो ये चीज़ होता है। और जैसे एक चीज़ होता है कि ओवर कोई मसल्स है तो उसका आप ओवर यूज़ मत करिए, मतलब अगर एक ही मसल्स पे आप इतना जोर डाल देंगे कि वो उस पर क्रैम्प फिर आना तय है, क्योंकि फिर एक मसल्स पे इतना वर्क अगर हुक कर लेंगे आप तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड भी बहुत बन जाता है, और लैक्टिक एसिड क्या होता है, वर्क जो मसल्स होती है उसके वर्क की इफिशेंसी को कम कर देता है, लेकिन फिर भी अगर आप उस पर जोर डालेंगे देन उस पर क्रैम्प आना तो तय है। ठीक, और जब भी अगर क्रैम्प आ जाए तो बचना किस तरह है, तो बचते इसी तरह है कि जैसे क्रैम्प आ गया तो फिर आप अपने हैंड से, ठीक, अपने हैंड की पावर से हेड को डाउन करेंगे, ब्रीथ को होल्ड करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक, और फिर हैंड की पावर से पुल करेंगे, और पुल भी क्या, जिस तरह मैं बताता हूँ कि 90 डिग्री पे हैंड को रख के पीछे पानी को पूरा अच्छे से एग्जिट करते हुए पुल करना है, तो उस तरह आप आ जाएंगे। ठीक, साइड में आप देखते चल रहे होंगे कि देखिए मेरा जो दोनों लेग है वो नहीं चल रहा है, लेकिन मैं अपने हैंड से ही आप पुल करके इधर आ जा रहा हूँ। हालांकि जब क्रैम्प आता तो हल्का फुल्का दर्द होता है, लेकिन अगर आप स्विमर मतलब स्विमिंग ठीक ठाक कर ले रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं, हेड डाउन करेंगे एंड पुल अच्छे से करेंगे देन आप किनारे पे आ जाएंगे। ठीक, तो क्रैम्प के साथ स्विमिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्रैम्प में आपका दर्द भी होगा और लेग वगैरह भी काम नहीं करेंगे, आप मोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन मुड़ेगा ही नहीं, जब जैसे मुड़ेंगे और तेज उसमें दर्द पकड़ लेगा, तो इसलिए उस चीज़ से मतलब डरना तो एकदम नहीं है, वो एकदम कॉमन चीज़ होता है। हम लोग जब वर्कआउट करते थे तो हम लोग तो वर्कआउट के बीच में ही क्रैम्प आता था, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं सर क्रैम्प आ रहा है तो उसमें डांट ही पड़ती थी उल्टा, तो हम लोग क्रैम्प के साथ भी हम लोग स्विमिंग करते थे। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि आप लोग को इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है, पानी पीते रहना है वर्कआउट के बीच में, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप इलीट स्विमर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मसल्स पे अगर जोर पड़ेगा देन क्रैम्प आएगा। जैसे अभी शिवराज, मैं क्रैम्प वाली वीडियो बना रहा था तो शिवराज बोल रहा था कि इसको भी एक बार हुआ था, कैसे क्या हुआ था भाई, वहाँ पे आ रहा था, हाँ, ट्यूब लिया था ऐसे जैसे किकबोर्ड लिए रहते हैं, ट्यूब थी मतलब, हाँ ठीक, तो फिर बहुत फास्ट किक चला रहा था वहाँ पे अचानक से, तो भाई अचानक से हो गया, और वहाँ पे वो अपने रहते हैं कोच सानू जी, हाँ वो उनका क्या नाम है, नितेश, हम कहाँ से, हाँ नितेश रहा होगा, हाँ नितेश थे, तो फिर मैं वहाँ से चला आया फिर, हाँ तो ठीक है, हाथ से ही आया, हाँ तब भी चलिए, इसके पास ट्यूब था शिवराज के पास, कम से कम ट्यूब था तो आ गया, वरना तो बहुत दुख रहा था भाई, दर्द होता ही होता है, बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, तो जिसके भी आ रहा है तो इसको ये मत समझिए कि अरे मुझे क्या हो गया, मुझे क्रैम्प कैसे आ रहा है, क्या मुझे कोई डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट नहीं है, ये जनरली होता ही होता है। अगर आप नए स्विमर हैं तो आपके देखिए मसल्स यूज टू तो है नहीं स्विमिंग के लिए, अभी आप सीख ही रहे हैं, तो कोई मसल्स जो हल्की फुल्की कमज़ोर होगी अगर उस पर ज़्यादा वर्क पड़ेगा तुरंत उस पर क्रैम्प आ जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी कि क्रैम्प को किस तरह अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इसका कोई ऐसा जादू नहीं है कि क्रैम्प चला जाएगा, इस आप ही की आपकी बॉडी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको हाइड्रेटेड रखिए एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लेते रहिए। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।